चलो बेटा आज आपके पास देते भैया, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार यूपी पुलिस में, कहता है एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, चार गुणा आपसे कहता भैया 4 और गुणा 1 सेंटीमीटर वाले को भैया दो फलकों को काले रंग से रंगा गया, ये भैया काला रंग से रंगा गया, दूसरा आपसे कहता भैया, ठीक है, दूसरा आपसे कहता भैया और 6 गुणा 1 भैया, ये 6 गुणा 1 सेंटीमीटर वाले को भैया दो फलकों को हरे लाल रंग से रंगा गया है, दो फलकों को क्या रंगा गया, लाल रंग से रंगा गया है, और भैया 4 गुणा 6 सेंटीमीटर वाले दो फलकों को हरे रंग से रंगा गया है। तो आपसे कहता है सभी को भैया 1-1 सेंटीमीटर के काटा गया है, भैया 1 सेंटीमीटर में 6 बराबर घन, 4 सेंटीमीटर में 1 4 बराबर का विभाजित किया जाता है, तो ऐसे कितने घन होंगे जो दोनों तरफ हरा रंग होगा और बाकी तरफ कोई रंग नहीं होगा। आप लोग ने क्वेश्चन देखा होगा, क्लियर है, पिछली बार यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, हम आपको यहाँ पे सॉल्विंग करके बताते हैं, क्लियर। चलो देखते भैया पहला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन बनाने की आपको हम बताते हैं आपको। चलो पहले भैया इनको भैया ऐसे ले लेते हैं, आपके पास पहले फिगर बनाना सीख लो, है ना, फिर डायरेक्ट हम आपको ट्रिक बता देंगे, पहले फिगर बना लेते हैं फिर डायरेक्ट हम आपको ट्रिक बताते हैं, समझना। एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, 1 4 है और 1 है, तो हम अगर ऐसे बना लें, ये हमने 6 सेंटीमीटर बना लिया, ये भुजा कितने सेंटीमीटर मिलेगी बेटा, 6, ठीक है, ये भुजा आपके पास 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, ये भैया हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, और अगली भुजा जो बना रहे हैं वो भैया हम 4 सेंटीमीटर की बना रहे हैं, अगली भुजा बना रहे हैं वो कितने सेंटीमीटर की, 4, तो ऐसे हम खींच ले, ऐसे खींच ले, और ये भैया आपके पास बनेगी 6, क्लियर, और इसको अगर हम ऐसे कर ले, एक अलग से ले ले, समझना भैया, इसको थोड़ा हम ऐसे ले आए और ये हम ऐसे मिलाते हैं, थोड़ा और नीचे ले आए, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है। पहले अगर आपके पास ऐसे देखोगे तो यहाँ पे भैया 6 के 1 बराबर भाग, तो 1 होता है भैया n1 = 6/1 = 6 मिलेगा, ठीक है भैया, n2 = मान लो 4/1 = 4 मिलेगा, और n3 मान लो भैया 1/1 = 1 मिलेगा। तो 6 के 6 भागों में डिवाइड करना है, तो इसके 6 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5, 6 भाग हो गए, ये 6 भाग ऐसे जाएंगे बेटा, ये भी 6 भाग हो जाएंगे, क्लियर। अगला बात करते बेटा, इसके कितने भाग करने हैं, 4, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसके कितने भाग कर रहे हैं, 4, तो इसके 4 भाग करने के लिए 3 कट 1 2, ये 3 हो जाएंगे, है ना, ये भैया 3 कट हो जाएंगे, इसको ऐसे मिला लो 1 और ये भैया 2 और ये कितने, 3, क्योंकि ये सारे 1 होते हैं, क्लियर। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये घन बनेगा। अब आपसे कहेगा भैया कि भैया जो 6, आपसे कहता है 4 गुणा 1 सेंटीमीटर वाले को काले रंग से रंगा गया, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो इसको बेटा ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग पूरा क्या है, ये वाला भाग, ये पूरा भाग बेटा काला हो जाएगा, ये पूरा भाग क्या होगा, काला, ठीक है, ये वाला भाग क्या होगा, काला, तो ये आपके पास हमने ऐसे कर दिया, ये पूरा काला होगा, ठीक है। अब आपके पास ऐसे देखते, ये वाला भाग काला होगा, ठीक है, तो इसको भैया ऐसे बांध लेते, ये वाला भाग काला है, ये वाला भाग क्या है, काला, ये वाला भाग क्या है बेटा, हरा, और ये वाला भाग कहता भैया 4 इसको फलकों को, और भैया 6 गुणा 1 वाले फलकों को लाल रंग से रंगा गया, ये बेटा लाल है, क्लियर है,
ये लाल है। आप समझना भैया, ये आपके पास फिगर होती है, याद रखना भैया। इसमें आपसे कहता है उन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों से परक क्या हो, हरे रंग से रंगे हो। पहली बात करते हैं बेटा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो घन इतने मिलेंगे, ये वाले घन जो इतने मिलेंगे, ये केवल भैया दो सतह रंगीन वाले मिलेंगे, एक इतना भाग। ये जो इतना भाग मिलेगा वो बेटा कितना मिलेगा, दो सतह रंगीन वाले घन मिलेंगे। तो यहाँ पे बेटा एक होगा, दो होगा, तीन होगा, ये चार है, ये पांच है, ये छह, ये सात, ये आठ, ये भैया अगर आप देखोगे तो टोटल दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होती है, इसमें चार मिलेगा। अगर मेरी बात समझना, अगर भैया कहिए एन वन इसमें जो कोने मिलते हैं, इसमें जो कोने मिलेंगे वो टोटल बेटा चार होते हैं। जैसे हम लोग का जो पेज होता है, ऐसे पेज है, इस तरफ से निकाल लोगे तो इधर भी कलर मिलेगा, तो ये जो निकलेंगे वो दोनों सतह रंगीन वाले घनों की संख्या निकलेगी। पहली बात, ये तो आपके पास फिगर्स होता है। अगर आपको डायरेक्ट करना होता है, याद रखना बेटा, जब एन वन एन टू एन थ्री में कहीं भी एक मिल जाता है तो आप क्या करो भैया, ये जो एन वन है इसमें से दो घटा दो, जो एन टू है इसमें से दो घटा दो, इससे दो घटाओगे कितने चार, इससे दो घटाओगे दो, चार दूनी कितना आठ, ये डायरेक्ट तरीका होता है आंसर निकालने का। तो भैया दो सतह रंगीन वाले घन कितने मिलेंगे, आठ मिलेंगे। फिगर से बनाएंगे तो फिगर से बनाएंगे तो भैया ऐसे मिलेंगे, ये वाले भैया इधर कोने, तो ये भैया इसमें कोने चार होते हैं तो इसमें चार सतह रंगीन वाले हो जाएंगे। तो ये जो इतना भाग बचेगा, ये वाला जो भाग होगा वो बेटा दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या होती है। क्लियर है, दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, इस तरफ भी हरा होगा, पीछे भी हरा होगा, तो यहां टोटल कितने मिलेंगे, आठ। दूसरी बात, अगर आप फिगर नहीं बनाते हो तो यहां निकाल लो एन वन, भैया छह को एक बराबर भागों में छह, चार को एक बराबर भागों में चार, और एक को एक बराबर भागों में एक। तो यहां पे देखो ये कितना मिला, एक। किसी भी संख्या में अगर एक मिल जाए, किसी भी संख्या में अगर एक मिल जाए उसको छोड़ के बाकी दो संख्या में दो दो घटा दो, चार में से दो घटाया छह, में से दो घटाया चार, और चार में से दो घटाया दो, दोनों का आपस में गुणा कर दो, ये जो चार दूनी क्या आया आठ, ये भैया दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या होती है। ये डायरेक्ट लगाने का तरीका होता है, ये फिगर से होता है। क्लियर है, सभी को समझ में आया तो सभी लोग लाइक कमेंट्स शेयर जरूर करना। आपका चैनल है रीजनिंग बाय संदीप कुमार, सभी को बेटा जय हिंद। क्लियर,